साथियों, भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। तिलक जी के समय और उनके बाद की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी घटनाएं और आंदोलन हुए, उस दौर में जो भी क्रांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप सब पर थी, हर जगह थी। इसलिए खुद अंग्रेजों को भी तिलक जी को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहना पड़ा था। तिलक जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल दी थी। जब अंग्रेज कहते थे कि भारतवासी देश चलाने के लायक नहीं है, तब लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंग्रेजों ने धारणा बनाई थी कि भारत की आस्था, संस्कृति, मान्यताएं, ये सब पिछड़ेपन का प्रतीक है, लेकिन तिलक जी ने इसे भी गलत साबित किया। इसलिए भारत के जनमानस ने न केवल खुद आगे आकर तिलक जी को लोकमान्यता दी, बल्कि लोकमान्य का खिताब भी दिया। और जैसा अभी दीपक जी ने बताया, स्वयं महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा। हम कल्पना कर सकते हैं कि तिलक जी का चिंतन कितना व्यापक रहा होगा, उनका विजन कितना दूरदर्शी रहा होगा।